हेलो माय जीनियस इस अमेजिंग से जीनियस वीडियो में हम सीखेंगे लर्न करेंगे अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब क्या आपने कभी सोचा है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट वुड हैपन इफ यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स एक काम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं देखते हैं रादर टू सी वॉट हैपन्स अब इस एक्सपेरिमेंट में हम लेंगे एक पेंसिल लेड एट द एंड ऑफ विच या बोथ एंड ऑफ विच वी अटैच टू वायर्स विच इज देन कनेक्टेड टू अ बैटरी तो ये सेटअप अलाउ करता है करंट टू फ्लो थ्रू द पेंसिल लेट अब एक बार द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन तो करंट जो है इट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द पेंसिल लेट अब ध्यान से देखो विद इन सम टाइम स्मोक स्टार्ट टू इमर्ज और ये जो पेंसिल लेड है ये हीटअप होती है एंड ग्लो करती है अब अगर हम थोड़ा सा वक्त और रुकें तो द पेंसिल लेड ग्लोज ब्राइटर एंड इवेंचुअली ब्रेक्स द इफेक्ट वेर अ मटीरियल गेट्स हॉट वेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब क्या आपने ये फिनोमिना कहीं और देखा है हैव यू दिस फिना एनी वेर एल्स शायद अपने घर पे या फिर स्कूल में सोचो अब आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने लाइट बल्ब तो देखा है ना अ लाइट बल्ब ग्लोज वेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट तो जो बल्ब ग्लो करता है इट इज बिकॉज द वायर इन साइड इट उसके अंदर जो वायर होती है दैट हीट्स अप वेन द करंट पासिस थ्रू इट तो दैट इज नथिंग बट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या आप कुछ और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में सोच सकते हो वेर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज हूं भाई गीजर इलेक्ट्रिक कैटल, हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रिक आयन ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट अब अगर आप एक बल्ब को बड़े ध्यान से देखो तो यू कैन सी द फिलामेंट ऑफ द बल्ब अब ये जो फिलामेंट है दैट हीट्स अप व्हेन करंट पासिस थ्रू इट दिस कॉइल ऑफ वायर व्हिच हीट्स अप इज नोन एज द हीटिंग एलिमेंट या फिर जस्ट एलिमेंट द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब व्हिच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन हीट्स अप एंड ग्लोज वेन अ करंट पासेज थ्रू इट लेकिन जो कॉपर वायर है through which the current flows battery say to the bulb that does not heat up so how much simple your si observation say conclude kar sakte? Batao. we can say that the heat produced in a wire depends on the material of the wire tungsten produces more heat because it is different from copper so the amount of heat

एक सेफ्टी डिवाइस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्यूज इज इंस्टॉल्ड इन द सर्किट तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ़ अ वायर ऑफर क्विकली एंड ब्रेक्स वेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम इन आपको पता है सब बिल्डिंग्स में ना फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट देर इज अ maximum limit on the current which can safely flow through a circuit or suppose karo if by accident kabhi aisa hota hai, ki the current exceeds this safe limit to jo wire under hoti hai inside the electric fuse that will blow off and break the circuit so now that you understand heating effect of electric current try answering this question hmm? a dash must be used in an electric circuit प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेजेस ड्यू टू करंट मोर देन द प्रिस्क्राइब मैक्सिमम लिमिट आपके ऑप्शंस हैं ए बैटरी ऑप्शन बी सेल ऑप्शन सी फ्यूज या फिर ऑप्शन डी स्विच अब देखो भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों तो हैं पावर सोर्सेस है ना देमसेल्स आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बराबर तो वो तो नहीं है ऑप्शन डी जो है स्विच hmm, वो क्या करता है मेक्स या ब्रेक्स द सर्किट तो दिस डज नॉट प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम डैमेजेस ड्यू टू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट अब ऑप्शन सी फ्यूज दैट मेल्ट्स व्हेन द करंट इन द सर्किट रीच अ मैक्सिमम लिमिट तो दिस प्रोटेक्ट्स द सर्किट फ्रॉम एनी डैमेज इसीलिए ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर तो नाउ दैट यू लर्ट अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्राई आइडेंटिफाइंग सम मोर इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज आपके आसपास दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट वक्त हो गया मेरे जाने का बट आई बी बैक विथ एन अदर अमेजिंग टाइप का जीनियस वीडियो तब तक के लिए जीनियस से पढ़ो जीनियस बनो